हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं विरत दुबे आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सेलेक्शन मेंटर में। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम क्लास के लिए तो आपको 7 बजे से अवेलेबल होते ही हैं शाम को, और इसके अलावा मैं आप लोगों को GS बूस्टर का एक लगातार सीरीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसी GS बूस्टर की सीरीज़ को लेकर के हम फिर आपके सामने आए हैं, और आज GS बूस्टर के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो हम लोग कैपलर्स के नियमों के बारे में आज इस प्लैनेट के जो मूवमेंट होते हैं इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में कैपलर के नियम क्या कहते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो कैपलर के प्लैनेटरी मोशन जो है वो 3 प्रकार के हैं। लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में 3 लॉ हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, 3 लॉ हैं आपको पढ़ने को मिलेंगे। इन 3 लॉ को हमने यहाँ पर पहले से लिख रखा है, आप इसको जो है वन बाय वन करके समझेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कैपलर का पहला नियम ये कहता है, फर्स्ट लॉ जो है इसे हम लोग लॉ ऑफ इलिप्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इलिप्स समझना होगा, हिंदी में इसको दीर्घवृत्त कहेंगे। लॉ ऑफ इलिप्स क्या है, देखिए जब भी हम किसी इलिप्स की बात करते हैं तो इसमें 2 फोकस होते हैं, एक फोकस यहाँ पर होगा और दूसरा फोकस जो है वो इधर कहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर कोई फोकस नहीं होता है एलिप्स का, ये ध्यान रखेंगे। अगर एलिप्स का फोकस यहाँ पर आ जाएगा तो ये एलिप्स एलिप्स ना होकर के एक कह सकते हैं कि सर्कल बन जाएगा, ये एक प्रकार का क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एलिप्स के 2 फोकस होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ इसी पॉइंट के ऊपर आधारित है। कैपलर कहते हैं कि जितने भी प्लैनेट हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, सपोज दैट यहाँ पे मैंने अर्थ नाम का एक प्लैनेट बनाया है, पृथ्वी है, और ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अगर चक्कर काट रही है तो वो एक सर्कल में चक्कर ना काट करके जो उसका रिवॉल्विंग ऑर्बिट है उसका जो शेप होगा वो एक एलिप्स के आकार का होगा, यानी कि वो एक दीर्घवृत्ताकार आकार का होगा, और दीर्घवृत्त के में ही सारे प्लैनेट चक्कर लगाएंगे। ये न्यूटन, ये कैपलर का पहला नियम है। और कैपलर ये भी कहते हैं कि सन जो है वो इन 2 फोकस में से किसी एक फोकस या फोकाई पर होगा, किसी एक फोकाई पर होगा, तो ये चीज आपको ध्यान में रहेगी। तो फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, ऑल द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैविंग द सन एज वन ऑफ द फोकाई, ठीक है। सारे के सारे प्लैनेट जो है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाएंगे, जिसमें से सूर्य जो है उस दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस बिंदु पर नियत होगा, स्थिर होगा। इसकी वजह से कभी कभी जो कह सकते हैं कि प्लैनेट और सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो सकती है, और कभी कभी क्या होगी, प्लैनेट और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो मिनिमम हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ की तरफ चलते हैं। सेकेंड लॉ को क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज, इसको बोलते हैं भैया लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। समान कह सकते हैं कि क्षेत्रफल वाला ये नियम है। इसमें 2 स्टेप होंगे, 2 पार्ट होंगे। पहला स्टेप क्या है, पहला लिखा है प्लैनेट मूव्स फर्दरेस्ट फास्टेस्ट व्हेन इट इज क्लोजेस्ट टू द सन एंड स्लोवेस्ट व्हेन इट इज फर्दरेस्ट फ्रॉम द सन। देखिए सिंपल सी बात कही गई है कि जब भी कोई प्लैनेट सूर्य के चक्कर लगाएगा दीर्घवृत्ताकार मार्ग में, तो जब ये गति कर रहा होगा और सूर्य के जब सबसे दूर होगा, सूर्य से सबसे जब दूर होगा, तो इसके चक्कर लगाने की गति कम हो जाएगी, और जैसे जैसे सन के क्लोज होता चला जाएगा वैसे वैसे इसकी गति जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि अगर कोई प्लैनेट, अगर सपोज दैट अर्थ है, अर्थ अगर सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है और टी समय तक उसने मूव किया इसी अपने ऑर्बिट पर, कितने समय तक मूव किया, टी टाइम तक उसने मूव किया, एनी सर्टेन टाइम टी, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा कुछ भी मान लेते हैं, तो जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है तो यहाँ से धीरे धीरे चलेगी, इसलिए पृथ्वी हो सकता है कि टी टाइम में ट्रेवल करके यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचने में इसको टी समय लगता है, और इसमें डिस्टेंस जो है इसकी मान लेते हैं कि D1 हो जाती है, D1 डिस्टेंस तय करती है अर्थ। तो यहाँ पर बताया गया है प्लैनेट मूव्स फास्टेस्ट व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन। अब देखिए पृथ्वी सन के पास आती जाएगी तो इसका मूवमेंट तेजी से हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ से प्लैनेट आगे बढ़ेगा तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा टी समय में, हो सकता है कि प्लैनेट मूव करके यहाँ तक आ जाए, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं D2 है, और समय वही कॉन्स्टेंट टाइम टी है। तो पहला वाला जो नियम है ये कहता है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें एट अ कॉन्स्टेंट टाइम टी वट इज द रिलेशन बिटवीन, एज अ कॉन्स्टेंट टाइम टी वट इज द रिलेशन बिटवीन D1 एंड D2, D1 और D2 में आपको क्या रिलेशन दिखा कि D1 इज लेस देन D2 या स्मॉलर देन D2, इट मीन्स समय निश्चित है परंतु अपने मार्ग में गति करने के अनुसार तय की जाने वाली जो दूरियां हैं वो भिन्न भिन्न दिखाई देंगी आपको, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको सबको, ठीक है।
ओके इसी लॉ का सेकंड पार्ट देखते हैं. लिखा है एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सन टू एनी प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया एंड इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम. अगर हम कोई इमेजिनरी लाइन के थ्रू एरिया क्रिएट करें इस डिस्टेंस पर सपोज दैट हमने ये एरिया क्रिएट कर दिया. ये इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं हैं, ये बनाई गई हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं और इनके द्वारा कवर्ड यदि अगर ये एरिया देखा जाए तो ये जो एरिया कवर होगा ये एरिया A1 मान लेता हूं मैं. ये एरिया क्या मान ले रहा हूं मैं, A1 मान ले रहा हूं. ये एरिया A1 है. अगर ये एरिया A1 है तो ये कह रहे हैं कि दोनों जगहों पर अगर आप इसी तरीके से लाइन स्वीप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एरिया है वो इक्वल निकलने वाला है. एरिया जो है वो कैसा निकलने वाला है, इक्वल निकलने वाला है अगर ये एरिया A2 हो जाए तो. ठीक है, आपको अगर ट्रायंगल शेप इसमें दिख रहा हो तो आप कहेंगे कि यहां पर ट्रायंगल ज्यादा बड़ा है, यहां पर ट्रायंगल कम बड़ा है. देखिए ऐसा नहीं है, यहां पर ट्रायंगल की लेंथ ज्यादा है, वेथ कम हो गई एक तरीके से आप ऐसे देखिए. हालांकि ट्रायंगल में कौन सी लेंथ और वेथ होती है लेकिन फिर भी हम आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं. यहां पर चौड़ाई कम है, लंबाई ज्यादा है और यहां पर चौड़ाई ज्यादा और लंबाई कम है. सो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे देन आप ये जो आपका जो पॉइंट नंबर 2 है ये सेम कॉन्स्टेंट टाइम टी पे रिलेशन बिटवीन एरिया A1 एंड एरिया A2, एरिया A1 और एरिया A2 में क्या रिलेशन दिखाएगा, ये इक्वल रिलेशन दिखाएगा. ये आपको ध्यान रखना है. इसी वजह से इसको हम लोग इक्वल लॉ ऑफ इक्वल एरियाज भी कह रहे हैं. तो इस दूरी के द्वारा तय की गई दूरी यही तय बराबर होगी दोनों जगहों पर. ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं थर्ड लॉ की, तीसरे लॉ की. तो कैपलर का तीसरा नियम क्या कहता है, कैपलर का तीसरा नियम बता रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ हार्मोनीज. समरसता का नियम है, समानता एक तरीके से दिखाई दे रही है. किस प्रकार की समानता है, अनुपातिक समानता यहां पर देखने को मिल रही है. लॉ ऑफ हार्मोनीज लिखा है द इक्वल द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ अ प्लैनेट्स ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस. सेमी मेजर एक्सिस मान लेते हैं कि कोई भी प्लैनेट जो है, सपोज दैट कोई प्लैनेट किसी समय यहां पर है, इस जगह पर है. ठीक है, तो इसकी सेमी मेजर एक्सिस जो है वो ये हो जाएगी, हाँ या नहीं. मान लेते हैं इसकी सेमी मेजर एक्सिस ये हो गई. ठीक है, तो आप यहां से ऐसी समझिए, ये वाली ले लीजिए या कोई दूसरी सेमी मेजर एक्सिस ले लीजिए, यहां वाली सेमी मेजर एक्सिस ले लीजिए. तो अगर ये मान लेते हैं आर है, सपोज दैट ये क्या है, आर है अगर, और यदि ये प्लैनेट पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और राउंड करके रिवॉल्व करके पूरा फिर पॉइंट ए पे आ जाता है, तो इस तरीके से एक चक्कर पूरा करता है. इस चक्कर को पूरा करने में एक ऑर्बिट बनता है, इस ऑर्बिट को पूरा करने में एक समय लगता है, उस समय को हम बोलते हैं ऑर्बिटल टाइम. ऑर्बिटल टाइम और ऑर्बिटल टाइम मान लेते हैं यहां पे टी है. वंस अगेन देन ऑर्बिटल टाइम रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल टाइम एंड सेमी मेजर एक्सिस इज टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. इट मींस कि यदि अगर हम R को उसके क्यूब से बढ़ा दें, यदि अगर हम R की लेंथ को अगर हम उसके क्यूब से बढ़ा दें तो इसका अराउंड जो आपका ये बनेगा क्या नाम ऑर्बिटल टाइम जो आएगा वो उसके स्क्वायर से बढ़ जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लैनेट सन से जितने ज़्यादा दूर होते जाएंगे उनका ऑर्बिटल टाइम उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा. इसीलिए सूर्य की तुलना में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम तो अब नहीं रहा, और मंगल, इन सारे प्लैनेट्स का जो ऑर्बिटल टाइम है वो पृथ्वी से ज़्यादा है, और बुध और शुक्र का जो ऑर्बिटल टाइम है वो पृथ्वी से कम है क्योंकि उनकी दूरियां पृथ्वी से कम हैं. तो ये हैं थ्री लॉ ऑफ प्लैनेट कैपलर्स प्लैनेटरी मोशन. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं अभी साइड हो चुका हूं, आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. और इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए इस फिगर और हमारे लेक्चर को रिकॉल करके दोबारा से सुन करके आप जो है इसको समझ सकते हैं. तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन समझ में आया होगा. आपको समझ में आया है तो इसे आप डेफिनेटली लाइक करिए, शेयर करिए और बहुत सारे लोगों को बताइए कि इस तरीके से एक नई मुहिम है या पहल है एक तरीके से सिलेक्शन मेंटर की कि हम आपको बूस्टर GS क्लास की बूस्टर्स दे रहे हैं. 5-7 मिनट में आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने को मिल जाती हैं. थैंक यू एंड जय हिंद.